नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है किंगडम पोरीफेरा के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोएनोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पॉन्जेस, यानी कि सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जियोसील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है स्पॉन्जेज प्रोसेसेस, यानी कि थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नो टिश्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि इन स्पॉन्जेज देयर इज, यानी कि फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सिंगल एग्जिट एंड ए नंबर ऑफ माउथलेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये कह रहा है कि एनिमल्स डिवाइड ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सक्रेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन आर, फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पॉन्जेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म, यानी सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पॉन्जेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर सेवन्थ ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेज इज, सेवन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलर ग्रेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्ज वाज स्टेबलाइज बाई, एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कह रहा है कि मोस्ट स्पॉन्जेज आर, यानी कि नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सिमेट्रिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर टेंथ ये कह रहा है कि ए स्पॉन्जेज इज, यानी कि टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिल्टर फीडर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ कह रहा है स्पॉन्जेज आर ए साइड लाइन ऑफ इवोल्यूशन हैंस कॉल्ड, यानी इलेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैराजोआ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है कि स्पॉन्जेज आर, यानी 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेसाइल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है द फाइलम नेम पोरीफेरा वाज गिवन बाय, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ग्रांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पोरीफेरा, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाजेनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पॉन्ज, यानी कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सियोना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है द नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट बिटवीन पिनाइकोडर्म एंड कोएनोडर्म इन बॉडी वॉल ऑफ पोरीफेरन्स इज नोन है, यानी 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेसेनकाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पॉन्ज मार्केट, यानी 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पंजियोला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पंजिकोला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड, यानी 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोएनोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है सेल विच क्रिएट वाटर करेंट एंड इंजेस्ट फूड इन लिकोसोलिनिया एंड अदर स्पॉन्जेस, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोएनोसाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 20 कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल अकर ओनली इन, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पॉन्जेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द स्पॉन्जोसील ऑफ द स्पॉन्ज इज लाइंड विद, यानी 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोएनोसाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कोएनोसाइट आर, यानी कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिटिव सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोएनोसाइट आर रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है एंडो स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैलकैरियस और सिलीसियस स्पिक्यूल्स आर सिलीसियस स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर आर ओनली स्पंजिन फाइबर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 25 ए कह रहा है स्पीक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेज आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनी 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्पाइंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है इन ल्यूकोसोलिनिया स्पीक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कैल्कोब्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है द स्केलेटल ऑफ स्पॉन्जेज इज सीक्रेटेड बाई यानी कह रहा है द स्केलेटल ऑफ स्पॉन्जेज इज सीक्रेटेड बाई तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्क्लेरोब्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सॉलिटरी हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्रल स्टेज ऑफ स्पॉन्ज इज नोन एज इज यानी 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ओलिंथस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज प्राइमरली बेस्ड ऑन 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पीक्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है द स्पॉन्ज सोइंग कमेंसलिज्म विद श्रिम्प्स इज यानी कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यू प्लेक्टेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि यू प्लेक्टेला इज यानी कि मतलब 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्लास स्पंज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पंजेज इज फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ स्केलेटन 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यू प्लेक्टेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है ग्लास रोप स्पंज बिलोंग टू द क्लास 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइलो स्पॉन्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है टिल डेथ वी डू नॉट पार्ट इज सिंबलाइज्ड बाय यानी 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यू प्लेक्टेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है सिक्स रेज स्पीक्यूल्स आर फाउंड इन 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यू प्लेक्टेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है व्हाट इज द लेफ्ट आफ्टर ए बाथ स्पंज डिसइंटीग्रेट एंड ड्राइड यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा स्पंजिन फाइबर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर स्पंज 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा स्पंजिला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है नेचुरल स्पॉन्जी इज प्रिपेयर्ड फ्राम यानी कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यू स्पॉन्जिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्जेज आर कल्टिवेटेड इन यानी 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेडिटेरियन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है कि द कॉस्टलीस्ट एंड फिनिश्ड यानी टर्किश बाथ स्पंज इज यानी कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का राइट आंसर हो जाएगा स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमिनेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री यानी 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लियोना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है बोरिंग स्पंज इज 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्लियोना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि ल्यूकोसोलिनिया एज यानी 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सेसाइल कोलोनिकल एंड मैराइन ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है बॉडी ऑफ ल्यूकोसोलिनिया एज यानी 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सिलिंड्रिकल एंड रेडियली सिमेट्रिकल ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है ल्यूकोसोलिनिया इज फाउंड इन 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सैलो वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन पोरीफेरा यानी कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन पोरीफेरा तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है पिनाइकोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी यानी कि 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा स्पंज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है पोरोसाइट्स आर स्पेशल सेल फॉर द पैसेज ऑफ 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इनकमिंग वाटर करेंट इन द बॉडी ऑफ स्पंजेज ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मुक्स क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है इन स्पंज बॉडी द मेसेनकाइम कंटेंस यानी कि
49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमीबोसाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 50, ये कह रहा है सेल नॉट फाउंड इन स्पंजेज। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीडोब्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है कि फंक्शन ऑफ थीजोसाइट इन ल्यूकोसोरिनिया इज, यानी कि 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूड स्टोरेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 52, ये कह रहा है मसल ऑफ स्पंजेज आर, यानी कि 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रिएटेड स्मूथ, बोथ स्ट्रिएटेड एंड स्मूथ। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 53, ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सेल आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर टाइप्स इन स्पॉन्जेज। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्क्यूसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 54, ये कह रहा है टोटीपोटेंट सेल्स ऑफ स्पंजेज आर। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्क्यूसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 55, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन स्पंजेज कैच फूड, यानी 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोइनोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 56 का राइट आंसर ऑस्कुलम, ये कंट्रोल ऑफ वाटर एंट्री, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 57, ये कह रहा है कि इन स्पंजेज स्पर्म एंड ओवा अराइज फ्रॉम, यानी कि 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्क्यूसाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 58, ये कह रहा है द पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजेज इज ड्यू टू, यानी कि 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्क्यूसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 59, ये कह रहा है विच सेल ऑफ स्पंजेज कॉन्ट्रैक्ट। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मायोसाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पंजेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 61, ये कह रहा है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पैथ ऑफ वाटर करेंट फ्लोइंग थ्रू ल्यूकोसोरिनिया। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टियम स्पॉन्जोसिल ऑस्कुलम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 62, ये कह रहा है स्पॉन्जेज नीड ए कंटिन्यूस करेंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देयर बॉडीज फॉर, यानी 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 63, ये कह रहा है टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इन ल्यूकोसोरिनिया, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इन ल्यूकोसोरिनिया इज। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्कान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 64, ये कह रहा है एलार्वल कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेज। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेगान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 65, ये कह रहा है रेडियल कैनाल आर लाइंड बाय, यानी कि 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोइनोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 66, ये कह रहा है कि इन स्पंजेज प्रोसोपाइल इज इन। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इन करेक्ट कैनाल विद रेडियल कैनाल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 67, ये कह रहा है द मोस्ट नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ स्पंजेज बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट इज। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जगह ऑस्कुलम एंड कैनाल सिस्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है डाइजेशन इन ल्यूकोसोरिनिया एंड अदर स्पॉन्जेज इज, यानी कि 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली इंट्रासेलुलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 69, ये कह रहा है कि इन ल्यूकोसोरिनिया डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, यानी कि 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है मेनी स्पंजेज मे बी बिगर दैन फिशेस एट द स्पंजेज हैव नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज दे। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैव हाईली पोरस बॉडी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है द चीफ नाइट्रोजिनस वास्ट ऑफ द स्पंजेज इज, यानी 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
अमोनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 72, ये कह रहा है ऑल द हर्माफ्रोडाइट इन, यानी कि 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोरीफेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 73, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेज, यानी 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैमिट्स प्रोडक्शन बाय एपिडर्मल सेल्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 74, बर्डिंग एज ए नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन, यानी 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रा एंड स्पॉन्जेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 75, ये कह रहा है मेल प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ल्यूकोसोरोनिया इज, यानी 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्डिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 76, ये कह रहा है एक्सोजिनस बर्डिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेज इज नोन एज, 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेमेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 77, जेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेज इज हेल्पफुल इन, यानी कि 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 78, एक कह रहा है फ्रेश वाटर स्पंजेज फ्रॉम इंटरनल एसेक्सुअल प्रोडक्ट कॉल्ड, 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेम्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 79, ए जेम्यूल ऑफ स्पंजेज कंटेन, यानी 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्कियोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकरिंग, यानी कि 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइकान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 81, क्लीवेज इन ल्यूकोसोलोनिया इज, यानी कि 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल होलोब्लास्टिक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 82, पैरेन काइम्यूला इज द लार्वा ऑफ, यानी 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लाइथ्रीना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 83, लार्वा ऑफ स्पॉन्जेज यानी कि 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीब्लास्टुला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 84, ये कह रहा है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पॉन्ज, यानी 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोरनेरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 85, ये कह रहा है द लार्वा ऑफ साइकॉन इज, यानी 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीब्लास्टुला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 86, रैगान टाइप ऑफ लार्वा इज फाउंड इन, यानी कि 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 87, ये कह रहा है पैरेन्काइमुला इज कंपेरेबल टू, यानी कि 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लैनुला ऑफ सिलेंट्रेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 88, ये कह रहा है कि विल्सन एक्सपेरिमेंट इन स्पंजेज इज रिलेटेड विद, यानी 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रीजनरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 89, ये कह रहा है जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन बॉथ स्पॉन्जिज, यानी कि 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्पॉन्जिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 90, ये कह रहा है विच वन ऑफ दीज इज रिफर्ड टू एज वीनस फ्लावर बास्केट, यानी 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू प्लेक्टेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 91, ये कह रहा है द जेनेरिक नेम ऑफ ग्लास रोप स्पंज इज, यानी कि 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइलोनिमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 92, ये कह रहा है फाइलोजेनेटिकली द स्पंजेज हैव इवॉल्वड फ्रॉम, यानी 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोइनोफ्लैजिलेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 93, ये कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस इन विच वाटर फ्लोज इनटू द बॉडी ऑफ साइकॉन एंड कम्स आउट ऑफ इट इज, यानी कि 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्टिया, प्रोसोपाइल, एपोपाइल्स या आस्कुलम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 94, ये कह रहा है कि पोरीफेरा इज कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ, 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 95, भी कह रहा है कोइनोसाइट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ पैरागैस्ट्रिक कैविटी इन, यानी कि 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉन्जेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विदाउट एक्सेप्शन फॉर स्पॉन्जेज,
96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दे हैव हाई रीजनरेटिव पावर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 97 ये कह रहा है कि इन स्पॉन्जेज द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इज रेगुलेटेड बाय 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मायोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 98 ये कह रहा है कोइनोसाइट आर फाउंड इन, यानी कि 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोथ साइकॉन एंड प्रोटो स्पॉन्जिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है द इनकरेंट कैनाल्स ऑफ स्पंजेज आर लाइंड बाय 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिनाइकोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 100 ये कह रहा है द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ स्पंजेज इज नोन एज, 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पायरन कैमूला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 101 ये कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है, तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का 2nd और डी का 1st, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, यानी कि 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्रुप विच इज कंसिडर्ड एज ब्लाइंड एले इन एनिमल किंगडम इज, यानी कि 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलाइना ये राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 104 ये कह रहा है स्पीक्यूल्स आर फाउंड इन, यानी कि 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्डमानिया एंड साइकॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है स्पंजिन फाइबर आर प्रेजेंट इन, यानी कि 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेमो स्पॉन्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 106 स्पॉन्जी सेल दैट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन आर, 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीजोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 107 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ड्यूकोसोलोनिया स्पॉन्जेज इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 108 साइकॉन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 109 ये कह रहा है कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज नॉट कंसर्न्ड विद, 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 110 ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन, 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम पोरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 111 ये कह रहा है मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर, 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्टली मैराइन एनिमल बट फ्यू आर फ्रेश वाटर एनिमल्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 112 ये कह रहा है कि ये मेटा जो है विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरा जो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 113 ये कह रहा है द स्पॉन्जेज वेयर क्लासिफाइड विद प्लांट्स टिल द डिस्कवरी ऑफ, 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 114 फूड स्टोरेज इन ल्यूकोसोलिनिया अकर बाय, यानी 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीजोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 115 ये कह रहा है द फेनोमेनन ऑफ रीजनरेशन ऑफ इन स्पंजेज वेयर ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन बाई, यानी कि 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस डब्ल्यू विल्सन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 116 का एसर्शन दिया है, एसर्शन इन स्पंजेज आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट, यानी रीजन दिया है द दे गिव्स राइज टू ऑल टाइप ऑफ अमीबोसाइट्स एंड आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट फॉर स्पंजेज, 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोक्स क्वेश्चन नंबर 118 ये कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्पंजेज,
118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का फिफ्थ और ई का सेकंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 120 ये कह रहा है, कोइनोसाइट आर फाउंड इन, यानी कि 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120 का राइट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 121 वन एनिमल दैट डज नॉट परफॉर्म लोकोमोशन इज यानी 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइकान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 122 ये कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला प्रोसेसेस स्पीक्यूल्स, 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोरीफेरा, 122 ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 123 ये कह रहा है कि द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा वाटर फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी कि 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल आस्कुलम एक्सटीरियर, ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 124 ये कह रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज प्रेजेंट इन, यानी कि 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोरीफेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 125 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम पोरीफेरा हैव नेमेटोसिस्ट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 126 बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटी लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, यानी कि 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोरीफेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 127 व्हाट इज द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्पंजेज, यानी कि 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 cm - 1 meter, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 128 ये कह रहा है कि पोटेरियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोरीफेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 129 ये कह रहा है, इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड, यानी कि 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोइनोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का जो पोरीफेरा का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे वो कंप्लीट हुए। सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग नीड बायोजोन 2.0 चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।